तो भाई फाइटर फिल्म का मोशन पोस्टर को आए हुए लगभग 7-8 घंटा बीत चुका है और ऐसे में हेटर्स का कहना है कि सस्ती कॉपी है टॉम क्रूज की फिल्म टॉप गन का। तो इस वीडियो में उन सबको जवाब मिलेगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वेल हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मूवी वाला। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। पहले तो जो लोग भी बोल रहे हैं सस्ता कॉपी है टॉप गन फिल्म का, वो लोग को मैं बता दूं, अगर भाई थीम सेम हो तो इसका मतलब ये नहीं कि सस्ता कॉपी हो जाए। अब दोनों फिल्म का थीम सेम है क्योंकि दोनों फिल्म एयरफोर्स पे बना है। अब एयरफोर्स पे फिल्म बना है तो ऋतिक रोशन वैसा ही ड्रेस और वैसा ही मूवी रहेगा ना, भले ही फिल्म का स्टोरी अलग हो और डायरेक्शन अलग हो। अब क्या ऋतिक रोशन एयरफोर्स का ड्रेस छोड़कर धोती कुर्ता पहन ले? मुझे भाई समझ में नहीं आता ऐसे लोग कहां से आते हैं। फिल्म का थीम सेम है इसीलिए ऐसा लग रहा है कि टॉप गन जैसा फिल्म होगा, लेकिन आपको बता दूं ये फिल्म ऋतिक रोशन का है और ऋतिक रोशन हमेशा की तरह डिफरेंट करते हैं। और इस फिल्म में भी आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा, जैसे स्टोरी एकदम नया होगा इस फिल्म का और इंडिया में ऐसा फिल्म आज तक कभी तक नहीं बना है। आपको बता दूं फिल्म का स्टोरी खुद सिद्धार्थ आनंद ने लिखा है। तो भाई फिल्म टॉप गन का सस्ता कॉपी बिल्कुल भी नहीं है। ये हेटर लोग जानबूझ के ऐसा बोल रहे हैं, उन लोग का आज जल चुका है इसलिए ऐसा कह रहे हैं। अब आदमी का जलता है तो चूल तो मचता है ना, इसीलिए वो लोग चिल्ला रहे हैं सस्ता कॉपी सस्ता कॉपी। लेकिन आप और मैं जानता हूँ सस्ता कॉपी नहीं है टॉप गन फिल्म का। फाइटर फिल्म बहुत बड़ा फिल्म होगा और साथ ही साथ इसका फ्रेंचाइज भी होगा, तो टॉप गन जैसा तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। हाँ वैसे टॉप गन जैसा लगेगा पर टॉप गन जैसा होगा नहीं, क्योंकि भाई दोनों फिल्म का टॉपिक एक ही है और वो है एयरफोर्स। अब एयरफोर्स में एयरफोर्स का नहीं दिखाएगा तो क्या ट्रेन गाड़ी का दिखाएगा? फिलहाल आपको क्या लगता है लिखकर जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।